सर मुझसे पीड़ित सर यहाँ पे सामने सर और ये एक्सक्यूज मी मैम सर सेम है इस कहानी को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि ये कहानी यूनिक है और थोड़ा झटके है उसमें 16 घंटे में बनाकर रिलीज कर रहे हैं इसलिए हम लोग अब कहानी को एक्सप्लोर अभी तक नहीं कर रहे हैं आप इंतजार कीजिए जी सर फिल्म को बनाने का सबसे बड़ा इंटेंशन होता है कि सिनेमा के लिए प्यार क्या ऐसा क्या रहा आपकी लाइफ में कि आपने कभी सोचा कि मैं कोई फिल्म बनाऊँगा कोई कहानी चुनूँगा और इतनी यूनिक और उसको मैं इस मोड में रखूँगा कि वो 16 घंटे में शूट की जाए देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस सब्जेक्ट पे 2-3 साल से मेहनत चल रही है अब हम लोगों ने पूरा इकट्ठा करके जब हमको लगा कि हाँ अब सही टाइम है इसको लॉन्च करने का और सामने आने का हम लोगों ने भी डिसाइड किया हालांकि काफ़ी सालों से इस पर मेहनत का 16 साल का मैं देख रहा हूँ झटके करना चाहता था उस तरह का सब्जेक्ट में हमारे डायरेक्टर बहुत पुराने दोस्त हैं मित्र हैं फिर उनसे मैंने डिस्कस की वो मुझसे 2.5 साल से वो मेहनत कर रहे थे तो बोले यार इस सब्जेक्ट करना चाहिए फिर मैं उनसे श्रीकांत जी को बोला था सर ये पिक्चर करते हैं हम मिलते हैं तो वो बहुत अच्छी लगी और उसे हमने आज लॉन्च करने का फाइनली डिसीजन कभी गांधी जी आप सर से कैसे मिले क्या पहली मुलाकात रही क्या यादें जुड़ी हैं सर के साथ हम लोग तो एक दूसरे के दोस्त हैं करीब 10 साल से जी जी कब मिले कहाँ मिले ऐसा क्या खास रहा जो आपने इस प्रोजेक्ट में अपने इनको अपने साथ रखा या इन्होंने आपको रखा या नहीं कोई जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई किसी पे फेवर नहीं कर रहा है प्रोडक्ट में दम है और उनको लगता है कि हाँ करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं जी शशिकांत जी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं इतनी बड़ी स्टार कास्ट हैं लेकिन आपने अपनी कहानी पर इतना भरोसा दिखाया है ये एक बहुत बड़ी बात है क्या कभी आप नए लोगों को छोड़कर एक बड़ी स्टार कास्ट को लेना चाहें या आप एक बेहतर और ये भी एक बेहतर फिल्म है और एक बड़े लेवल की फिल्म बनाना चाहें आप जहाँ अभी हम लोगों को कमी है जो बड़े स्टार को लेकर उसका स्टार का तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा तो बहुत जल्दी आपको जनवरी या फरवरी में उसका नाम पॉइंट आपके सामने आएगा मार्केट के 20 में से 2 स्टार हैं 10-20 में से 2 स्टार हैं और पिक्चर का टाइटल है मेरे यार से मिला के मैं ये कह रहा था कि देखिए मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है इसमें पर्टिकुलर इस फील्ड में एक दर्शक की हैसियत से मैं ये बोल सकता हूँ कि कहानी की डिमांड होती है हमेशा वैसे तो बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म भी फ्लॉप होती है सो हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्यों नहीं लिया या इनको क्यों नहीं लिया हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग जो कंटेंट समझता है वो इस चीज़ को समझे शशि जी सवाल आपसे भी है कोई एक ऐसी फिल्म जो उसको देख के आपको ऐसा लगा होगा काश ऐसी फिल्म मेरी भी नहीं है हम बोलेंगे क्लासिक उसको बोलेंगे कभी पुरानी ना होने वाली है जाने भी दो यारो जाने जी सबसे फेवरेट कुंदन शाह सर आपकी फेवरेट कौन सी है वाह आमिर खान क्या मैंने प्यार फैमिली सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको और हम चाहेंगे ये फिल्म जो आपकी पसंदीदा है जाने भी जो आपकी दोनों ही चीज़ें शुरू होती है और ये फिल्म इतनी बड़ी हमारी एक्चुअली ये जो हमारी टीम है ना बहुत ही डेडिकेटेड है और इस फिल्म के लिए डेडिकेटेड ही लोग चाहिए क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी एक मशक्कत है जैसा कि आपको पता होगा कि 16 घंटे के अंदर फिल्म को रिलीज़ करना है तो पूरी एक टीम ही कर सकती है बाकी इंडिविजुअल तो कुछ कर नहीं होता जी सब वाले आंसर्स दिए हैं जिन पर जनता ध्यान नहीं देती कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल हो जाए आपकी तरफ से नहीं नहीं क्या बोलूँ मैं अच्छा आप सोच लीजिए अपना वाला आंसर मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या जानना चाहते हैं अरे आप सोच लीजिए
एक्चुअली इसमें ऐसा है कि लोगों के लिए सरप्राइज है ये मूवी और ये फिल्म. 16 घंटे में एक सेट पे एक शूट एक टेक कंप्लीट कभी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है और हम पूरी मूवी करने जा रहे हैं, तो वही सबके लिए एक एडवांटेज है और सरप्राइज. अभी किसी को बिलीव नहीं हो रहा है जिससे भी हम बात करते, जो भी सुनता है 16 घंटे में मूवी बन रही है. तो अभी हम बनाने जा रहे हैं तो सब देख रहे हैं, बस आगे क्या बोल सकते हैं. क्या बात है, ये आपने लिखे हुए डायलॉग बोल दिया. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा मैम, जब एक टीम मिलती है डिफरेंट नेचर्स के लोग मिलते हैं, कोई गुस्से है कोई खुश रहता है, कैसे कोप अप कर पाते हैं कि यार इसका सीन अच्छा हुआ मैं और बेटर कर पाऊँ, या फिर किसी से कुछ गलती होगी तो आप उसे बता पाते हैं कि आप ऐसे ना ऐसे करें, किस तरीके से टीम काम कर पाती है, किस तरीके से कोप अप करते हैं आप लोग. एक्चुअली इसमें एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर वर्किंग विद अ टीम, एटीट्यूड रहेगा या शी इज़ नॉट डूइंग दिस, वी आर नो वन, वी आर एक्टर्स. हम जितना हो सके उतना सीखते हैं डे बाय डे. सो इट्स लाइक दैट, इफ जितना अंडरस्टैंडिंग होगी आप में उतना टीम बेहतर बनेगी और आगे धमाल करेगी. और बाकी तो ये सस्पेंस है, सो इवन वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट. हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट वी आर वेरी थ्रिल्ड, बहुत एक्साइटेड है हम. ये मेरा पहला ब्रेक है, इनका भी पहला ब्रेक है. Contribution in the sense like what you want to know in contribution. चलो टाइटल भी लाइक है, बरमूडा ट्रायंगल की बात करें, जब पहला दिन था क्या एक जहन में एक सोच थी और जब लास्ट डे था तो आपने क्या सोचा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा और एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन गई है हमारे बीच. और मैं असगर जी भी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, वेरी डेडिकेटेड, वेरी वेरी सुपर टैलेंटेड. या हम सब बहुत एक्साइटेड हैं फॉर द मूवी. सर आप जानना चाहेंगे ये इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे आप सबसे कुछ कैसे रहेंगे, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है, कौन सा वो स्टार से जो ज़्यादा बहुत दिल लगे हैं, काश मेरा वो स्टार हो तो मैं पर्दे को अच्छा. अगर स्टार तो मेरे लिए सभी फेवरेट है, जो आज इंडस्ट्री में सब काम कर रहे हैं वो सब स्टार मेरे फेवरेट है. कोई भी बड़े स्टार से मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो ऑफकोर्स स्टार, ओके स्टार मेरे लिए सब फेवरेट है और सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. अगर कोई भी बड़े स्टार के साथ मेरे को मौका मिलेगा तो ऑफकोर्स मैं टैलेंटेड के साथ और बहुत अच्छे से उसके में काम करना चाहूँगा. सर मैं तो एक्चुअली एक्ट्रेस बनने ही आई हूँ, मतलब हूँ तो मुंबई से नो डाउट. बट ड्रीम हीरो की बात करूँ तो मैं कहूँगी सलमान खान एंड सेकेंड वन इज इमरान हाशमी. मेरा फेवरेट है जॉन अब्राहम. यस डेफिनेटली. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, मुझे खान, मुझे जितने भी खान हैं उनके साथ मुझे मूवी बनानी है इंशाल्लाह. सर मैं अभी स्टार के साथ, मैं दो तीन फिल्में मेरी रिलीज हैं शायद आपको पता नहीं होगा, तो मैं भी थोड़ा कंटेंट बेस्ड फिल्में करना ज़्यादा पसंद करता हूँ. और स्टार कोई भी हो जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है तो मैं उसके साथ काम करना चाहूँगा. क्या बात है, आपने दिन लिखा हुआ बोल सर. मैम लास्ट क्वेश्चन, लोग क्यों देखे? एक्चुअली जब ये मूवी आएगी तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि लोगों को पहली बात तो ये मूवी पसंद आएगी, लोग देखेंगे, क्योंकि हर एक सिटीज से डे बाय डे लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं. हमें एक मैसेज देना है, एक मैसेज है उसमें, या हमारी स्ट्रगलफुल लाइफ है. पीपल विल कम टू नो कि व्हाट्स इज हैपनिंग. जिनको नहीं पता, जो घर घर बैठे लोग हैं उनको पता नहीं होता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. दे जस्ट लव पीपल लाइक, हाँ बाबा ये एक्ट्रेस है, शी मस्ट बी लुकिंग सो, इसका ये है दैट. नो, एवरी वन इज स्ट्रगलिंग. सो बस वही मैसेज देना चाहते कि जो भी है, इवन सलमान खान है, इमरान खान है, जो भी है, दिस पीपल आर ऑल्सो हार्ड फेस सम, इट्स ऑल अबाउट दैट. मैं एक लाइन में बोलूँगी कि इंसान जो भी चाहे
कर सकता है लाइफ में, हाँ दुनिया में कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर इस फिल्म की जो सबसे बड़ी USP है वो 16 घंटे है, ये अभी तक तो ना बॉलीवुड ना हॉलीवुड किसी ने अटेम्प्ट लिया नहीं है, और ये बड़ी टीम इकट्ठी करके और एक डेडिकेशन के साथ हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि पूरा देश और बॉलीवुड के लोग हमको दुआएं दें, आशीर्वाद दें कि इस अटेम्प्ट को हम पूरा कर सकें। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 16 घंटे की जो मूवी है वो कॉन्सेप्ट सबसे डिफरेंट है, और सब लोगों को ये सोच के वो होंगे कि हाँ ये 16 घंटे में क्या कर रहे हैं, तो वो एक्यूरेसी है जो लोगों में उसके लिए देखनी चाहिए, और 16 घंटे में भी एक्टिंग हो सकती है और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, वो डेडिकेशन हमारे में, इसलिए लोगों को हम बोलते हैं, इंक्रीज करेंगे कि आप देखो, और देख के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मतलब कुछ मिरेकल हो सकता है। Bermuda Triangle, यार, Bermuda Triangle. Yes. We are the team of Bermuda. We are the team of Bermuda Triangle. Yes. One, two, three. We are the team of Bermuda Triangle. चार दौर में बदलने के लिए सज्जनों लोगों ने कहा इसका कोई फायदा नहीं होगा, लाइन में लगना ही पड़ेगा यहाँ कोई शादीशुदा लोग हैं, इस बात को गौर से सुने। जैसे ही उनका नंबर आने वाला था उनकी पत्नी जया जी का फोन आ गया, सुनिए जी आप लाइन में नहीं लगेंगे, वापस आएंगे, आपको मेरी कसम। और सर क्यों कह रही है, मेरा नंबर आने ही वाला है। अरे भाई वापस आइए, अरे बहुत लंबी लाइन थी। अरे लंबो वापस आ अरे क्यों चाहती जी मैं वापस आ जाऊँ, मेरा नंबर आने वाला, आप लाइन में नहीं लगेंगे क्यों। अभी मुझे असगर खान ने बताया कि लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं और मैंने जैसे कि रेखा के लिए दोबारा पढ़ो तो मैं गरीबी रेखा में आया। अच्छा वो नोटबंदी हुई थी, लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड को भादरा बंद कर दिया था। अरे लड़के परेशान, कल तक तू मुझे ATM समय से ये ला के दे वो ला के दे, ये खिला वो पिला, अब मुझे भांग दे रही है, ऐसा क्यों। लड़की कहती अब तुझे बचा ही क्या ATM कुछ नहीं बचा, ATM खत्म, ATM मिट माय न्यू बॉयफ्रेंड ATM। इतनी ज्यादा तब्दीली हुई थी, लेकिन हम सब ने वहां से उभर कर अपने आप को ट्रैक पे लाया है, तो यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान का ऐसी ताकत है कि हम हर मुसीबत में एक